दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए आईपीएल साल 2023 की एक अच्छी शुरुआत तो नहीं कह सकते हैं, बट अब जरूर देखना चाहेंगे कि अगले मुकाबले से वो कमबैक करें और जीत के साथ शुरुआत करें। बट वहीं दोस्तों आपको टीम केकेआर के को ओनर भी अब अगले मुकाबले में देखने को मिलेंगे, जो कि आरसीबी और केकेआर का ईडन गार्डन पे होने वाला है। खैर आज की वीडियो में हम टॉप अपडेट्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप अपडेट्स की। तो पहली अपडेट निकल कर आ रही है केकेआर वर्सेस आरसीबी को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान अवेलेबल रहने वाले हैं ईडन गार्डन के ऊपर, जो कि यहां पर 6 तारीख को यानी कल मुकाबला है केकेआर वर्सेस आरसीबी। प्लेइंग 11 भी आपके लिए आ जाएगी, बहुत मजेदार वीडियोस अब आने वाली है। कुछ टाइम से थोड़ा डिले हो गया था दोस्तों, तो मैं सबको रीजंस बता दूं कि यहां पर यूट्यूब की स्ट्राइक आ गई थी, उस वजह से यहां पर दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। हर काफी लोग पूछ रहे हैं, सो अब बात कर लेते हैं यहां पर दोस्तों केकेआर वर्सेस आरसीबी की। तो यहां पर टीम केकेआर अपना पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के अगेंस्ट हार चुकी है, बट वहीं दोस्तों आरसीबी एक बहुत ताबड़तोड़ स्टार्ट उन्होंने की है, बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर उनके ओपनर भी हैं, बैट्समैन भी है, लय है। पिछला मुकाबला 8 विकेट से वो जीते थे। लेट्स होप कि टीम केकेआर का जो ईडन गार्डन के ऊपर रिकॉर्ड है वो टॉप क्लास बना रहे। इसके अलावा दोस्तों जो भी टॉप अपडेट्स आती है सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पर देते हैं, तो यार आप जो भी हमारे चैनल का नाम है इंस्टाग्राम पर सर्च करके फॉलो कर लो, बहुत आपको ताबड़तोड़ मजा आने वाला है। कोई एक केकेआर मैच का गिव अवे भी आपको मिल जाएगा फ्री टिकट्स का, तो वो कौन सा मैच होगा उसका अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और आप दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दो केकेआर और आरसीबी से रिलेटेड कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहोगे कल तक में, तो वो वीडियो आपके लिए डेडिकेटेडली हम सबसे पहले बनाकर देने वाले हैं। है ना बाप, अगली अपडेट निकल कर आ रही है रूल्ड आउट प्लेयर्स को लेकर। तो टीम केकेआर की अगर बात करें तो काफ़ी सारे बुरी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले शाकिब अल हसन अपनी अवेलेबिलिटी को लेकर यहाँ पर सबसे पहले बाहर हुए। इसके बाद उनसे पूछा गया था लिटन दास से कि क्या आप आओगे, उन्होंने मना तो नहीं किया कि यार मेरी भी रिप्लेसमेंट ले लो, बट उन्होंने कहा कि वो आएंगे बट लेट आएंगे, मई 1 को वो आने वाले हैं, काफ़ी लंबा समय है। इसके अलावा अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर अब ऑफिशियली आईपीएल साल 2023 से रूल्ड आउट हो चुके हैं। रूल्ड आउट तो सिर्फ आईपीएल से नहीं हुए, क्योंकि उनका मेन गोल तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी वो इस साल गायब दिखने वाले हैं। इसके पीछे कारण ये है कि श्रेयस अय्यर ने पहले अपने जो बैक इंजरी हुई थी उसके लिए वो जो पेन उनको हो रहा था थोड़ा, उसको रिलीफ के लिए सोच रहे थे, बट दोस्तों धीरे धीरे पेन रिलीफ नहीं होता गया, पेन वहीं बढ़ता गया। तो अब उन्होंने सोची है कि सर्जरी करा ले, पहले वो सर्जरी नहीं कराने वाले थे, और सर्जरी कराने के केस में वो कम से कम 4 से 6 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं, और अब फाइनल स्टेज पर आकर उन्होंने सोच लिया है कि वो सर्जरी कराने वाले हैं। तो यार दोस्तों वो आईपीएल साल 2023 और यहां पर आपको बाहर देखने को मिलने वाले हैं वर्ल्ड कप जो टेस्ट चैंपियनशिप है। यहां दोस्तों आपको एक ऋषभ पंत, एक जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर टीम जो इंडिया है उससे डब्ल्यूटीसी खेलते देखने को नहीं मिलेंगे। शाकिब भी बाहर है, लिटन दास लेट आएंगे, तो लेट सी क्या होता है। आप कमेंट करके जरूर बताओ शाकिब और श्रेयस अय्यर का जाना बाहर क्या किसी और टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है रिप्लेसमेंट को लेकर। तो श्रेयस अय्यर और शाकिब अल हसन की रिप्लेसमेंट कौन होगा। अब दोस्तों दशुन शानका के लिए काफी लोग कह रहे थे, बट दशुन शानका यहां पर ऑफिशियली केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। बट अगर बात करें यहां पर दोस्तों रिप्लेसमेंट से अब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चाहे कोई भी आए, क्योंकि वो प्लेइंग 11 में शायद ही खेलेगा, क्योंकि टीम केकेआर ने अपनी पहली प्लेइंग 11 सबसे मजबूत बना ली और वही है उनकी मजबूत प्लेइंग 11। बट इसमें देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि वो क्या वेंकटेश अय्यर को हमेशा इंपैक्ट प्लेयर ही यूज करते हैं और बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा काम करने की जरूरत है, बाकी सब ओके है। सो यार उम्मीद करेंगे आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख चुके होंगे और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर चुके होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।